What's up guys, welcome back to the channel. I hope you guys doing fine. Right now I am in the capital of Goa, that is in Panjim city. और आज का जो ब्लॉग है गाइस ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन इफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो पंजिम सिटी पर हो रही है. सो गाइस अभी मैं आपको अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. ही इज़ ओरुप और ये मेरा बचपन का फ्रेंड है और हम स्कूल लाइफ में एक साथ थे. उसके बाद वो गोवा पर शिफ्ट हो गया एंड अभी मैं भी गोवा पर शिफ्ट हो गया हूँ. सो गाइस लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट इफ़ी. इफ़ी इज़ गोइंग ऑन इन गोवा राइट नाउ फ्रॉम 20 नवंबर टू 28 नवंबर. ये फेस्टिवल हर एक साल होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर. बेसिकली आप इसको अवार्ड शो भी कह सकते हो जिसमें बहुत सारा अवार्ड दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्डन पीकॉक अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड, सिल्वर पीकॉक अवार्ड, उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, ये सब अवार्ड दिए जाते हैं. और स्पेशली इफ़ी एक प्लेटफॉर्म देता है इंटरनेशनल फिल्म्स को ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी और ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको दिखा पाए सबके सामने. ऑल्सो गाइज इट एम्स एट प्रमोटिंग फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो फेस्टिवल है ये इसे स्पॉन्सर करता है एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया. सो गाइस इन केस इफ यू वांट टू अटेंड नेक्स्ट ईयर यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट. दे हैव देयर ओन डेडिकेटेड वेबसाइट व्हिच इज www.ifigoa.org. तो गाइस इस पोर्टल के जरिए आप इस पे रजिस्टर करोगे उसके बाद आपको एक कार्ड मिलेगा विच कॉस्ट ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़. बट आई एम डैम लकी दैट आई गॉट दैट पास फॉर फ्री. सो गाइस अभी मैं अंदर जाऊंगा और अंदर जाने के बाद आपको दिखाऊंगा अंदर का डेकोरेशन और कैसा सीन है कैसा नहीं सब कुछ दिखाऊंगा. तो गाइस ये रहा मेन रोड और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा व्हीकल्स है एंड उसके वजह से आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है. और हम पीछे से एंटर कर रहे हैं क्योंकि अगर हम फ्रंट साइड से एंटर करेंगे तो वहाँ पर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है. उसके बाद मेरे पास गिम्बल वगैरह है तो शायद वो लोग वहाँ से अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए हम इधर से आज जा रहे हैं. और अंदर आने के बाद और ये है सिक्योरिटी गेट. यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत चेक होता है, आप क्या सामान लेके अंदर आए हो ये सब वो चेक करते हैं. उसके बाद आपको एंटर करने को मिलता है अंदर. अंदर जाते ही आपको लेफ्ट साइड में ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ये ऑफिस है. यहाँ पर हर एक तरह का ऑफिशियल जो हुआ कि यहाँ पर होता है. तो अगर आप भी कोई भी अगर आपका इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पर आके पूछ सकते हो. और यह जो आगे ये है एक चर्च और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन करके रखा है. यहाँ पर आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लाइटिंग्स है तक के. उसके बाद राइट साइड पे ऊपर पे जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो वो ऑडिटोरियम है. उसके बाद आप जितने आगे जाओगे गाइस बहुत सारा आपको चीज़ें देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा एक से बड़ा एक स्टैचू बना के रखा है और बहुत सारा अच्छे से डिज़ाइन किया है उन्होंने. तो उधर तो मैंने जैसे कि बताया दो ऑडिटोरियम था, एक दो थिएटर था, वहाँ पर एक नॉर्मल थिएटर और एक VIP थिएटर. जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनको वहाँ पर लेके जाते हैं वो लोग. तो मैं अभी पूरा जो है इसको कवर करूँगा एंड पूरा चीज़ आपको दिखाऊँगा एक्सप्लोर करके कहाँ पर क्या है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने एक स्टैचू बनाया है आज़ादी का अमृत महोत्सव. और यहाँ पर लाइटिंग्स वगैरह भी सही है. यहाँ से हम अंदर जाएँगे जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पर है. और यहाँ और इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस भी दिया है कि आप कैसे कहाँ से जा सकते हो प्रॉपर. और यहाँ पर पोस्टर आपको मिल जाएगा. और जैसे ही हम अंदर जाएंगे गाइस यहाँ बैठ कर चिल कर सकते हो. यहाँ पर आप डिज़ाइन देखो ऊपर अम्ब्रेला से उन्होंने डिज़ाइन करके रखा है. यहाँ पर आप चिल कर सकते हो बैठ के, उस पर यहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह भी पी सकते हो. उसके बाद आप अपना फूड ले सकते हो. यहाँ पर साइड में बहुत सारा ऐसा शॉप्स भी है जहाँ से आप अपना फूड खरीद सकते हो. यहाँ यहाँ पर जैसे कि है दिल्ली चाट, उसके बाद टी कॉफ़ी सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको. और यहाँ पर आपको छोले भटूरे ये भी मिल जाएगा एंड अगर आप ड्रिंक्स पीना चाहते हो तो ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है. और उसके बाद ये जो है यहाँ पर आपको गोभी मंचूरियन मिल जाएगा, ये हम बाद में ट्राई करेंगे. उसके बाद हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, आप बस यहाँ से लो उसको. और मैं कैसे और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप किसी भी चीज़ अगर आप यहाँ से लोगे तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर एक टिकट लेना पड़ेगा काउंटर से, आपको यहाँ पर पैसा जमा करना पड़ेगा. तो ये है गोभी मंचूरियन, ये हम लेंगे. और ये पर प्लेट का 150 है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है बाहर से. तो हमने बस इसको ट्राई किया और कुछ ट्राई नहीं किया है. एंड अभी मैं आपको बाकी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ का. जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पर चिल कर रहे हैं. और ये है आइनॉक्स, ये भी थिएटर है. यहाँ पर बहुत सारा पिक्चर लगती है. मैं और गाइस यहाँ पर साइड पर आपको सीरियल भी मिल जाएगा कौन से टाइम पे कौन सा मूवी लगेगी एंड उसके लिए आपको यहाँ पर जाके टिकट भी लेना है.
टिकट लेने के बाद आपको मिलेगा। और गाइस ये जो है ये है वीआईपी एंट्री, जब कोई भी सेलिब्रिटी आते हैं तो वो यहाँ से एंट्री करते हैं, उसके बाद यहाँ से वो डायरेक्ट स्ट्रेट ये आगे तरफ जाते हैं, जाके अंदर वो बैठते हैं शायद, क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊँगा तो अंदर के बारे में मुझे उतना पता नहीं, मैं बाहर का सीन आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि हर एक जगह पे उन्होंने बहुत एक अच्छी तरह से डेकोरेशन करके रखा है इफ़ी का, क्योंकि ये 52nd इफ़ी सेलिब्रेशन है, और यहाँ पर उन्होंने ऐसा ही स्टैचू बना के रखा है। बहुत सारा ऐसा आपको रिपोर्टर भी मिल जाएगा यहाँ पर जो स्ट्रीट इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का। और ये भी देख सकते हो आप इफ़ी 52 जो इन्होंने बनाया है, ये भी पूरे लाइट से बनाया है उन्होंने। तो गाइस मैं अभी आपको एक बार शेड्यूल भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा शेड्यूल, इसमें आप प्रॉपर टाइमिंग देख सकते हो, कौन सा मूवी आपको देखना है उस हिसाब से आप टिकट ले सकते हो जाके काउंटर से। एंड गाइस यहाँ पर आप देखो बहुत सारा लाइन लगा हुआ है मूवीज़ के लिए, लोग अभी एंटर करेंगे मूवी देखने के लिए, कितने सारे लोग यहाँ पर है। लेकिन गाइस मैं अनफॉर्चुनेटली मूवी नहीं देख पाऊँगा क्योंकि मुझे और एक जगह पर जाना है, मेरे दोस्त के घर, वहाँ पर मेरा प्लान है पार्टी का, तो मैं यहाँ पर मूवी तो नहीं देख सकता, क्योंकि अगर मैं मूवी देखने लगूँगा 2 घंटा कम से कम तो देना पड़ेगा मिनिमम। तो मेरे जैसे कि मैंने अपना फ्रेंड को दिखाया उसके घर में आज पार्टी है, रात को मैं वहीं पर ही रुकूँगा, इसलिए मैं मूवी देखने नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पर एंजॉय किया है, मैंने बहुत सारा मुझे चीज़ें देखने को मिली है, बहुत सारा ऐसा चीज़ मुझे सीखने को मिली है। तो अभी बस यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। और गाइस मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो फेस्टिवल है ये 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलता है। तो अभी आई थिंक मैं 28 को अगर मेरा पास हो जाता है तो मैं 28 को भी जाऊँगा और वहाँ पर जाकर मैं लाइव आपको प्रोग्राम दिखाऊँगा, जो लाइव अवार्ड शो होता है वो आपको दिखाऊँगा, जैसे कि वो हम लोग हमेशा क्या करते हैं टीवी पर देखते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको लाइव दिखाऊँगा जाके, अगर मुझे टिकट मिले तो होपफुली मुझे टिकट मिल जाए, एंड अगर मिल जाए मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा, उस एपिसोड में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। टिल देन गाइस टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टाटा, बाय बाय।